हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कल गाइज नागपुर यूनिवर्सिटी की एक मीटिंग थी एग्जामिनेशंस के ऊपर, और कल मैंने वीडियो बना के भी आपको बताया था कि क्या जो डिसीजन है वो रह सकता है और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसको फिलहाल होल्ड पे रखा गया है। उसी के ऊपर गाइज आज एक आर्टिकल आया है जिसमें ये सारी जो चीज़ है वो और भी डिटेल में बताई है। साथ ही में जो प्रैक्टिकल्स की डेट्स आई थी, तो क्या जो प्रैक्टिकल्स है वो उसी टाइम पे हो गए, इसके बारे में भी इस आर्टिकल में हमें जो डिटेल्स है वो देखने को मिलने वाली है। साथ ही में अगर ऑफलाइन का जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट किया जाता है तो क्या सच में उससे स्टूडेंट का लॉस होगा, इसके बारे में भी गाइस इस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। तो वीडियो गाइस पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो यह गाइस आज का लेटेस्ट आर्टिकल, और इस आर्टिकल की हेडलाइन है नागपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम्स स्टार्टिंग May 17 ऑन होल्ड। और एक आर्टिकल आया है जिसकी जो हेडलाइन है वो है स्टूडेंट बॉडीज वॉन ऑफ प्रोटेस्ट अगेन नागपुर यूनिवर्सिटीज फ्लिप फ्लॉप ऑन एग्जाम्स। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें लिखा है द नागपुर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिसाइडेड टू विथ होल्ड इट्स टाइम टेबल फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस विच वॉज स्केड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम May 17। हाउएवर इट विल कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द एग्जाम फॉर्म्स फ्रॉम कॉलेजेस एज पर द स्टिपुलेट डेट्स। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो ऑनलाइन का जो डिसीजन है उसको अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रख दिया है, बट यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट्स थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं, जैसे वो टेंटेटिव स्केड्यूल में डेट्स थी वैसे ही जो है वो रहने वाली है। आप अभी भी जो फॉर्म्स है वो भर सकते हो, बट जो ऑनलाइन का डिसीजन है उसको होल्ड पे रख दिया है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में लिखा है प्रैक्टिकल एग्जाम्स वुड बी हेल्ड इन ऑफलाइन मोड एट द कॉलेज लेवल एज स्केड्यूल फ्रॉम May 2। तो जैसे टेंटेटिव स्केड्यूल में था कि May 2 से जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है फाइनल ईयर UG स्टूडेंट्स के वो कंडक्ट किए जाएंगे, तो वो जो डेट्स है वो सेम ही रहने वाली है और उसी टाइम को जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है वो ऑफलाइन मोड में कॉलेज लेवल पे जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा है आई हैड डिटेल्ड मीटिंग विद वाइस चांसलर सुभाष चौधरी एंड द अदर टॉप ऑफिशियल्स wherein इट वॉज डिसाइडेड टू वेट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वी हैड डिसाइडेड टू कीप May 17 ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम्स ऑन होल्ड टिल देन। लाइक अदर यूनिवर्सिटीज वी टू नीड टू अपडेट बाय द गवर्नमेंट डिसीजन। एनयू बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन डॉक्टर प्रफुल साबले टोल TOI। तो इन्होंने डायरेक्ट क्लियरली बता दिया है कि जो हमने डिसीजन है उसको होल्ड पे रखा है और हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें पूरी गाइडलाइंस रहती है वो आने का है। जैसे वो आएगा तो उसके ऊपर और भी क्लियरली हमें नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डिसीजन है वो देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत हैड टोल्ड TOI ऑन मंडे दैट माइनट्स ऑफ द वाइस चांसलर्स मीटिंग ड्यूरिंग विच डिसीजन टू कंडक्ट ऑनलाइन पेपर्स वॉज टेकन वेर रेडी। एनी ऑफिशियल सेड दो द माइनट्स वेर रेडी दोज वेर येट टू बी साइंड बाय द मिनिस्टर आफ्टर विच अ प्रॉपर नोटिफिकेशन हैविंग डिटेल गाइडलाइंस अबाउट द ऑफलाइन एग्जाम्स वुड बी इशूड। द नोटिफिकेशन वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज़ इन महाराष्ट्र एक्सेप्ट ऑटोनॉमस कॉलेजेस। तो अभी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी उन सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा, और जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। साथ ही में अभी यहाँ पे और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेंशन है, और इससे जो स्टूडेंट का लॉस है वो कैसे हो सकता है ये भी हमें पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू साबले NU वॉज अमंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ टू डिक्लेयर द ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम्स फॉर समर लास्ट डिसम्बर। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड ऑल्सो स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग न्यू एग्जाम सेंटर्स। इवन आफ्टर डिसाइडिंग टू कैंसिल ऑफलाइन एग्जाम लास्ट वीक अवर क्वेश्चन पेपर वर्क इन कंटिन्यूइंग एज देयर कुड बी यूज इन विंटर एग्जाम्स ही सेड। The BOE director pointed out that NU was always in favor of offline exams, but after students' protest, it was decided to allow the online option. Now the only issue with offline mode is that result would be delayed. तो जो हमारे BOE के डायरेक्टर है प्रफुल साबले जी, उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाती है तो उसका एक ही इशू है ऑफलाइन मोड इज़ दैट रिजल्ट वुड बी डिलेड, और अगर रिजल्ट डिले होता है तो स्टूडेंट्स को ज़रूर इसका लॉस होगा क्योंकि फर्दर स्टडीज़ या फिर CET एग्जामिनेशन वगैरह जो भी होगी उससे मतलब उनके एडमिशन करने के लिए काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। बट वी विल फर्स्ट कंडक्ट एग्जाम्स ऑफ फाइनल ईयर एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑन प्रायोरिटी। अब ये कितनी जल्दी एग्जाम्स ली जाती है वो अभी तक हमें पता नहीं है, so that they could be free for further studies or jobs, he said.
फ्यू ऑफ आवर कोर्स लाइक बी ए हैव 42 सब्जेक्ट्स एंड इट्स एग्जाम्स वुड टेक लॉन्गर इफ प्रोवाइडेड 2 डे गैप बिटवीन 2 पेपर्स. अगर 2 डे का गैप दिया जाए तो जो पेपर्स हैं उनको लेने में भी काफ़ी टाइम जाएगा, ऐसा भी इनका कहना है. फिर यहाँ पे लिखा है ओनली सोल्यूशन टू दिस इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स फॉर विच वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, ही एडेड. An official from exam section said NU was also preparing to hold offline exams in 3 sessions so that result could be declared in time. We may start the first session from 8 a.m. to 11 a.m., second from 12 noon to 3 p.m. and third session from 4 to 7 p.m. It is obvious that the result would be delayed. तो इन्होंने तो बोल दिया कि obvious है कि result delay होगा and subsequently the postgraduate or high or other higher admissions would take a hit. स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू कम्प्लीट स्टडीज़ फ्रॉम फॉरन यूनिवर्सिटीज़ मे सफ़र. तो इन्होंने भी क्लियरली बोला है कि रिजल्ट डिले हो सकता है और इसके वजह से स्टूडेंट्स को फर्दर स्टडीज़ में सफ़र होने पड़ सकता है. तो इन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है. और देखो ऐसा ही हो सकता है क्योंकि अगर एग्जामिनेशन और लेट होती है, अगर एग्जामिनेशन फिर ऑफलाइन कंडक्ट की जाती है, फिर जैसे बोला है कि 2 दिन का गैप वगैरह रहेगा 1-2 पेपर के बीच में, तो इससे जो एग्जामिनेशन को टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा. साथ ही में अगर आपने सीईटी के सारे अपडेट्स वगैरह देखे होंगे तो जून में भी काफ़ी सारे जो एग्जामिनेशन है एमबीए एमसीए और भी काफ़ी सारे जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट की जाएगी. सपोज़ एक स्टूडेंट है जो कि बीकॉम 6th सेमेस्टर में अगर पढ़ रहा है, अगर उसके एग्जामिनेशन ही जून महीने में होती है और वो एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो जून तक अगर वो अपने मेन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करेगा तो एमबीए सीईटी के लिए वो कब प्रिपेयर करेगा, उसको टाइम कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी है. साथ ही में वो उसकी मेंटेलिटी पहले 3-4 महीने से यही थी कि एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होगी, बट सडनली पता चला कि एग्ज़ाम ऑफलाइन हो गई है और मेंटल प्रेशर आएगा वो अलग. तो ये सारी बातें हैं, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ ने, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो हो ही जाएगी, भले वो पास तो हो ही जाएगा अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेगा, बट जो एमबीए सीईटी होगी या फिर एमसीए जो भी एग्ज़ाम होगी जैसे फर्दर उसको जाना होगा, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करने का जो टाइम है वो काफ़ी कम मिलेगा. और अगर मतलब जून 10 तारीख तक पेपर ख़त्म होते हैं और 20, 22, 24, 25 जून को एमबीए का सीईटी का पेपर होता है, तो कितना कम टाइम मिलेगा उस स्टूडेंट को. सीईटी का पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, इधर वो प्रिपेयर करेगा ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करना पड़ेगा. और अगर रिजल्ट और भी लेट लगते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स भी होगा, क्योंकि जब हम फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो वहाँ पे हमें मार्कशीट और ये सारी जो चीज़ है वो भी देना पड़ता है. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ सकता है. ठीक है, तो अभी तक तो जो डिसीजन है वो होल्ड पे ही है, देखते हैं जैसे ही गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू होगा तो उसके बाद हमें नागपुर यूनिवर्सिटी के साइड से भी ऑफिशियल जो अपडेट्स है वो देखने को मिलेंगे और ये भी पता चलेगा कि नागपुर के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशन की डेट है वो रियल में क्या रहती है. अब इसके अलावा और एक आर्टिकल आया है जिसकी हेडलाइन है, आप देख सकते हो, स्टूडेंट बॉडीज वॉर्न ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनयूज फ्लिप फ्लॉप ऑन एग्जाम्स. A day after Maharashtra government announced offline exams for all traditional universities in consultation with the vice chancellors, student organization have warned Nagpur universities of an agitation if the latter cancelled its decision to conduct summer papers in online mode. Even social media is flooded with NU's flip-flop over online-offline controversy. Representatives from students organization like NSC and NSUI met Vice Chancellor Subhash Chaudhary on Tuesday and handed over respective representations. They also raised slogans in front of NU's new administration block. Some students claimed they were planning a big protest on April 29 at noon. तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है, ठीक है. और students मतलब obvious है कि गुस्सा हो गया, क्योंकि पहले decision है offline exam होगी, फिर student ने protest किया और फिर decision आ भी गया कि online exam होगी, और 2-3 दिन में अगर decision change करेंगे तो obviously सारे जो students है वो गुस्सा हो गए, protest करेंगे और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है वो हो सकती है, ठीक है. तो अभी फिलहाल के लिए तो ये सारे अपडेट्स है. RTMN की वेबसाइट पर फिलहाल कोई भी अभी ऑफिशियल जो अपडेट्स वगैरह रिलीज़ नहीं हुए हैं, जो प्रैक्टिकल का अपडेट था वो वैसा ही है और प्रैक्टिकल उसी डेट्स को होने वाले हैं. इसके अलावा जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं मैं ज़रूर अपडेट दे दूंगा, बट मैं यूनिवर्सिटी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसके बारे में सोचना चाहिए कुछ और फिर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फर्दर स्टडीज़ में काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है, लोगों को प्रिपरेशन करने का एक्स्ट्रा जो टाइम मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा और भी काफ़ी सारे जो इश्यूज़ है वो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ सकता है. तो जब भी डिसीजन लिया जाएगा या फिर इस बारे में सोचा जाएगा तो सही डिसीजन लेना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन आए और स्टूडेंट्स को कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े. तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इन आर्टिकल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि डिटेल में आप इन आर्टिकल्स को पढ़ पाओ. तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में.